हैवी डिपेंडेंस था इम्पोर्ट्स के ऊपर और वी वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट कि हम अपनी ज़रूरतों को अपने असेंशियल्स का बहुत ध्यान दे सके. हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी की जो डिमांड्स थी वो इम्पोर्ट की जाती थी और स्पेशली ऑफ असेंशियल्स. ठीक है, अर्बनाइजेशन बहुत लिमिटेड था, मोस्टली लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते थे, अर्बन एरियाज में लोग कम रहते थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इट वॉज अ सेमी फ्यूडल इकॉनॉमी. सेमी फ्यूडल इकॉनॉमी दैट इट वॉज पार्शली बींग ऑपरेटेड थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर एंड पार्शली इट वॉज ऑपरेटेड द प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी उस टाइम बहुत ज़्यादा लो थी विच इन्फ्लुएंस दी ओवरऑल इकॉनॉमी. एंड नेक्स्ट इट इज कॉलोनियल इकॉनॉमी बिकॉज इट वॉज अ कॉलोनियल इकॉनॉमी ब्रिटिश वॉज रिसेंटली लेफ्ट इंडिया. So India, it was lacking that spirit of growth and development. Next topic is state of agriculture. Now individually we will discuss about the different sectors jispe Indian economy ki us time pe kya situation thi. So talking about agriculture, India ka agriculture jo tha wo it showed the following characteristics under the British rule. There was very low production and productivity output per input, per level of input. Resources जितने थे उसे use करके भी कम output ही बाहर आ रहा था, productivity बहुत high नहीं थी. High uncertainty because agriculture is quite dependent on the other environmental factors and irrigation facilities. तो बहुत उस time पर ज़्यादा modernization नहीं था तो because weather पर ज़्यादा dependency रहती थी इसलिए production को लेकर बहुत ज़्यादा uncertainty रहती थी. There was never dominance of subsistence farming. सिर्फ गुजारे लाइक फार्मिंग हो रहा था. द टिलर्स ऑफ द सॉयल द पुअर फार्मर्स दे वर यू नो इन अ वेरी बैड कंडीशन एंड उनका सिर्फ कोई प्रॉफिट नहीं था. वो जितनी भी फार्मिंग करते थे उससे बस उनकी जो है बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही थी. देर वॉज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दी ओनर्स ऑफ द सॉयल लाइक जमींदार्स एंड द टिलर्स ऑफ द सॉयल द फार्मर्स वर वर्किंग ऑन देम. लैंड रेवेन्यू जो है जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था फार्मिंग से वो सारा का सारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और जमींदार्स को दे दिया जाता था एंड फार्मर्स के पास बहुत ही छोटा स्मॉल पोर्शन रह जाता था फॉर देयर ओन लिविंग. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश रूल. इंडियन इंडस्ट्री विच एट वन टाइम एंजॉयड द ग्लोबल रेपुटेशन सफर्ड अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इट वॉज लार्जली ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वी ऑल नो दैट इंडियन इंडस्ट्री जो है एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश करती थी, बहुत ही यू नो सक्सेस रेट उसका बहुत हाई था, इट वॉज ग्रोइंग रैपिडली. बट अंडर ब्रिटिश रूल और उनकी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की वजह से वो बिल्कुल लॉप साइडेड हो गई. बहुत ही मतलब उसकी जो डिस्ट्रक्शन कम्प्लीट इट वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. चीपर इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे वो टैरिफ फ्री इंडियन मार्केट्स में लाए जाते थे और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी के साथ जो है बाहर भेजा जाता था. एंड हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया लॉस्ट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. मॉडर्न इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी ओवरऑल वो बहुत ही ज़्यादा टार्डी और बहुत ही स्लो थी. इट लैक स्टेट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था एंड कैपिटल गुड्स की जो इंडस्ट्री थी इट वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी स्लो, वेरी वीक एंड वेरी स्टैगनेंट. ओके, नेक्स्ट स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया टुक अ हिट इन टू वेज. दो तरीके से हिट हुआ था फॉरेन ट्रेड. पहला था कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड जो इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल एंड फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो बहुत ही ज़्यादा शिफ्टिंग हुई थी फॉरेन ट्रेड में. इंडिया को जो है इट एक्सपोर्टर बना दिया गया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, रॉ मटेरियल्स का, और इम्पोर्टर बना दिया गया फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का जो ब्रिटेन से आता था एट हाई कॉस्ट. ठीक है, तो इसकी वजह से और इंडिया में जितना भी फॉरेन ट्रेड का जो अलग अलग कंट्रीज में जाता था उसको ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया. तो वो जितना भी जो चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी अलग अलग कंट्री में उसे ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने टेक ओवर करके वो उन कंट्रीज़ के साथ उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. तो इट एंडेड दी मल्टी नेशनल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल. डेमोग्राफिक प्रोफाइल इज कम्प्लीटली हेल्पफुल. बहुत ही ज़्यादा बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट बहुत हाई था, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था. ऑन द कॉन्ट्ररी देयर वाज अ लो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एंड देयर वाज अ लो रेट ऑफ लिटरेसी. तो विच पॉइंटेड
नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं दैट इट वॉज इन अ वेरी पुअर स्टेट. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ऐसी इंडस्ट्री में रहेंगे जो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रही तो ऑब्वियसली ओवरऑल उन उस पॉपुलेशन को भी जो है वो फर्क पड़ेगा. दे वुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू ग्रो प्रॉपर्ली. एंड 9% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्री में काम करती थी. बाकी की बची हुई जो रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन थी दे वर इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री सेक्टर. तो इंडस्ट्री सेक्टर जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग और सबसे ज़्यादा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती है वहाँ पे बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व थे. और एग्रीकल्चर सेक्टर जो बहुत ही बैकवर्ड चल रहा था बहुत ही लॉ साइड चल रहा था स्टैग्नेंट था उसमें आधे से ज़्यादा परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ इन्वॉल्व थी. नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द गेम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा था बी इट इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही बहुत ही डेफिशिएंट स्टेट में थे. ठीक है देयर वाज अ मॉडेस्ट चेंज बहुत ही हल्का फुल्का सा चेंज हुआ था. बट अगर वो चेंजेस लाए नहीं गए थे जैसे कि रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया गया पोस्टल टेलीग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द सेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इंट्रोड्यूस किया था जिससे उनको ट्रेड में ईजी हो वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है ईजिली पैन इंडिया जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके एंड अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वो कनेक्शन में रह सके. तो इंफ्रास्ट्रक्चर Now, despite having such a bad shape of, you know, of the Indian economy during the time of independence, कुछ positive impact थे कुछ positive side effects भी थे British government के. वो हमने अभी discuss किया कि उन्होंने transport facilities जो है वो इम्प्रूव करी थी railways introduce किया था. There was the development of ports जिससे internationally जो है through waterways आपका जो products है और जो raw material जो resources है वो easily trade किए जा सके. And साथ ही साथ post and telegraph जैसी services ऐसी कुछ सर्विसेज थी जिसकी वजह से इंडिया जो है अब लेटर उन्होंने पिक किया बट उस टाइम पे इट वॉज जस्ट सर्विंग द पर्पज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाट इज नोन एज पॉजिटिव साइड इफेक्ट. कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी का भी फायदा हुआ था कि उसमें न्यू जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ है बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो इसका उस टाइम पे रियलाइज नहीं हुआ बट एट द लेटेस्ट स्टेज इफ यू लुक बैक इन टू द हिस्ट्री वी कैन से दैट यस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडियन इकोनॉमी को रूल किया था तो उसके कुछ बहुत कम फायदे भी थे. नुकसान तो हम सबने पढ़ ही है कि उस टाइम पे जो इकोनॉमी की स्टेट थी वो सारे के सारे कॉन्स हैं एंड प्रॉस बस ये कुछ तीन चार कॉन्स हैं. तो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. दिस इज अ वेरी डिटेल्ड चैप्टर आई हैव जस्ट टेकन अ क्रक्स ऑफ इट. आपको इसे बहुत डिटेल से बुक में पढ़ना है एंड इन केस अगर आपको समझ में कुछ पॉइंट्स नहीं आते यू कैन कॉन्टैक्ट मी.